अच्छा कंगना, एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी आप आने वाली थी तो पहले बहुत सारी सिक्योरिटी आई, मतलब ये हम तो डरे हुए थे कि हमने ऐसा क्या कह दिया, ये मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी रखनी हो तो क्या करना पड़ता है आदमी को? आदमी को सिर्फ सच बोलना पड़ता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे, बोल। वैसे मैं इनको अभी 3 मुलाकातों में ये इतने फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं, पहले तो शादी की जी, फिर अगली मुलाकात हुई तो एक बच्चा, फिर एक और बच्चा। इनकी वाइफ को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। प्यारी समझ गई। मैं ये सोच रहा था कि जितनी सिक्योरिटी कंगना के साथ होती है, इतनी सिक्योरिटी खड़ी तो आदमी अपनी बीवी से ना प्यार कर पाए तो। अरे कहना क्या चाहते हो? आपके जो हीरो आपके साथ रोमांस कर रहे थे वो डर नहीं जाते थे कि साथ में बंदे खड़े हुए हैं? ओहो नहीं, उनकी नीयत साफ है, आपके जैसे नहीं सोचते। आइए फिर यहाँ। देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद हो गई। देख कमीने की, ये क्या है? ये वो फायर एक्सटिंग्विशर्स है। ये क्यों लिया आपने आज? वो चैनल बोल रहा था कि ये जहाँ भी जाती है कंगना आग लगा देती है, तो रखना एक साथ में। तो इतना छोटा लेके आइए, और बड़ा रखना चाहिए था। अगर लाना है तो फिर ढंग का लाओ ना।